बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा जहां रहें हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और सादा रेसिपी लेकर आई हूं। माश की दाल ये हर घर में बनाई जाती है और बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है। ये जैसे ढाबों पे, होटलों पे मिलती है ना, आज वैसे ही बिल्कुल भुनी हुई दाल बनाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ये एक पैन ले लिया है और पैन में तकरीबन हाफ कप के बराबर ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल को गर्म होने देंगे। जब गर्म हो जाएगा तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके रखी थी बारीक, इसे डालकर हम इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है। ये देखें, प्याज मेरी गोल्डन फ्राई हो चुकी है तकरीबन। इस मोमेंट पे हम लहसुन अदरक का पाउडर ऐड करेंगे। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं हाफ चम्मच लहसुन का पाउडर और हाफ चम्मच ही मैं अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। अब ये मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी कट करके रखा है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हमने भूनना है, फ्राई करना है 2 मिनट तक। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमने कम ही डालना है ताकि टमाटर हमने गलाने हैं। अब इसमें कुछ मसाले, बस बहुत सिंपल से मसाले हैं, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 चम्मच ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बस बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब बस थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि मुझे कम लग रहा था, क्योंकि हमने टमाटरों को गलाना है। कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए मीडियम आँच पर। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। हमने टमाटरों को स्पैचुला की मदद से या किसी भी चमचे की मदद से दबा दबा के मैश कर लेना है ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएं, ठीक है। अब कवर कर देंगे, हमने 5 मिनट के लिए और छोड़ दिया है मसाले को। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें रोगन अलग हो चुका है हमारा अच्छे से, इसमें बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे चम्मच चला के 2-3 मिनट तक फिर सौते करेंगे। और अब इसके अंदर मैंने ये माश की दाल 1 पाव 250 ग्राम थी, इसको अच्छे से धो के 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसे मैंने पानी निकाल लिया है, ये देखें हाथ से हम दबा के चेक कर लेते हैं। ये देखें काफ़ी हद तक, देखें कितनी अच्छी हो चुकी है, फूल गई है। तो अब ये ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। अगर हम इसे दाल को भिगो लेते हैं ना तो ये फूल के काफ़ी मकदार में बढ़ जाती है, और अगर हम ऐसे ही ऐड करेंगे तो ये फूलेगी भी नहीं और ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें इसको चम्मच चला के हम पहले 2 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसके बाद हल्की आंच कर देंगे। और ये देखें मैंने 2 हरी मिर्चें कट करके रखी हैं और 4-5-6 जो हैं मैंने गोल वाली रेड मिर्च ली हैं, ये ऐड कर देंगे और कवर करके हल्की आँच पर इसको पकने देंगे। ये देखें पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हम दाल चेक कर लेते हैं चम्मच चलाकर। ये देखें अभी इसके अंदर पानी है, तो हम इसे दोबारा इसके पकने के लिए रख देंगे और थोड़ी कच्ची है। ये देखें 5 मिनट और गुजर चुके हैं, हमारी दाल में से पानी गायब हो गया है और ये काफ़ी भुन चुकी है। और इस मोमेंट पर हम इसे चेक कर लेंगे तो ये काफ़ी गल भी चुकी है। अब बस हमने क्या करना है, इस पर पिसा हुआ गर्म मसाला इस ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ये 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और कटी हुई मैंने अदरक, यानी कि अदरक का पीस था उसे बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना हम ऐड कर देंगे बस, और इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल रेडी है, चूल्हा बंद कर देंगे और कवर कर देंगे। ये देखें अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर दोबारा से मैं थोड़ी अदरक और हरे धनिया से गार्निशिंग कर रही हूँ और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला फिर ऐड कर रही हूँ। रेसिपी देखने के बाद आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।